नमस्कार दोस्तों, आपका चैनल RK105 में बहुत बहुत स्वागत है। आज का अपना टॉपिक है रूट प्रक्षेप। रूट प्रक्षेप जैसे कि किसी मानचित्र को किसी विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है तो उसे रूट प्रक्षेप कहा जाता है। यदि किसी मानचित्र को किसी विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाना है तो उसे किसी भी प्रकार से तोड़ मरोड़ कर यानी कि छोटा बड़ा करके और हम उस विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति करते हैं तो वो रूट प्रक्षेप कहलाता है। इसी के अंदर है मोलविड प्रक्षेप। मोलविड प्रक्षेप की रचना ब्रेंडन ने, जो कि जर्मनी के रहने वाले थे, 1805 में की। उदाहरण है एक 20 करोड़ मापनी पर संसार का मानचित्र बनाने के लिए एक मोलविड प्रक्षेप की रचना करो जिसमें अंतराल 30 डिग्री हो। आपको इसमें अंतराल 15 डिग्री भी मिला होगा या 10 डिग्री मिला होगा, तो अंतराल मैंने इसलिए ज्यादा रखा था कि ये जल्दी ही क्या है प्रक्षेप तैयार हो जाए। आइए सवाल करते हैं। पहले हल करेंगे ये पृथ्वी के लगभग गोले का अर्धव्यास कैपिटल आर। इसको सिंबल दिया है, साइन दिया है कैपिटल आर। पृथ्वी का वास्तविक अर्धव्यास बटा निरूपक भिन्न का हर। वास्तविक अर्धव्यास 64 करोड़ बटा निरूपक भिन्न का हर 20 करोड़। आपस में से हल करने पर 3.2 सेमी आ गया। अभी हमें पृथ्वी के लघु अर्धगोले का अर्धव्यास मिला है, लेकिन अब हमें क्या है, प्रक्षेप के अंदर 90 डिग्री पूर्वी पश्चिमी उत्तरी दक्षिणी जो वृत्त बनने वाला है उसका अर्धव्यास में अलग से मिलने वाला है। जैसे कि सेकंड नंबर हल करते हैं अपने प्रक्षेप के मध्यवर्ती वृत्त का अर्धव्यास। जो मध्यवर्ती वृत्त है वो 90 डिग्री पूर्वी और 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर रेखा को प्रदर्शित करेगा, तो इसका सिंबल है स्मॉल आर। तो बराबर मिसाल लगा के अंडरूट 2 कैपिटल आर वो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस आर का जो आर हमने हल किया है ये 3.2, ये सिर्फ क्या है, इस सूत्र के लिए प्रयोग में आएगा, इसका प्रक्षेप में अन्य कोई कार्य नहीं है। तो इस नेक्स्ट सूत्र को प्रयोग में लाने के लिए हमने इसे हल किया है। यहाँ अंडर रूट दो का मान 1.414 घंटों में आर का मान 3.2 प्राप्त हुआ था, तो इसे हल करने पर 4.52 सेमी हल में मिल गया। थर्ड नंबर है प्रत्येक अक्षांश की भूमध्य रेखा से दूरी। इसे हम पहले ए में हल करेंगे तो 30 डिग्री के लिए, फिर बी 60 डिग्री के लिए, फिर 90 डिग्री अक्षांश के लिए। तो आइए पहले हम प्रत्येक अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात करेंगे। तो 30 डिग्री अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी, इसका मान आपको सारणी में, आपकी जो बुक है उसकी सारणी में दिया हुआ 0.404। ये 30 डिग्री अक्षांश रेखा का मान है, इंटू में स्मॉल आर लगाने पर यानी कि 4.52 लगाने पर आपको इसका आंसर मिल जाएगा जो कि 1.82 सेमी आया है। भूमध्य रेखा से पहली दूरी 1.82 पे। अब सेकंड नंबर है 60 डिग्री अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी, तो ये है 0.762 इंटू में आर 0.762 इंटू में आर। आर का मान 4.52 है, तो इसे यहाँ रखने पर और इंटू में करने पर 3.44 से डिग्री अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी, तो 1.000 मतलब इनटू में आर, और फिर से इसे आर का मान रखकर 4.52 इसे हल किया, एक से गुना किया तो आंसर आया 4.52 सेमी। अब हम प्रोजेक्शन के लिए इन मानों को इस्तेमाल करेंगे।
अब अपनी ड्राइंग शीट के ऊपर केंद्र में एक बिंदु लगाएंगे आप। यहाँ अर्धव्यास जो है वो 90 डिग्री पूर्वी पश्चिम दिशा अंतर रेखा को प्रदर्शित करेगा और इसका मान है 4.5। तो 90 डिग्री पूर्वी और पश्चिम के लिए 4.5 तो आप इसमें से प्रकार में भरेंगे 5। इसमें से आप 4.52 प्रकार में दूरी ये जो और फिर यहां से आप इसे लगा सकते हैं। ये आपने 4.52 का अर्धव्यास लिया और एक वृत्त की रचना कर ली है जो इसके अंदर से आप ऊपर से नीचे की तरफ बिल्कुल सीधी सेंटर से होती हुई ऊपर से नीचे की तरफ एक रेखा खींचोगे। ये हमारा एन को प्रदर्शित करेगा, इसको एन को, और ये एस को प्रदर्शित करेगा। अब इसी के बिल्कुल 90 डिग्री का जो कोण है वो बनाकर यहां से आप 90 डिग्री कोण बनाकर इसी के समकोण में एक रेखा ए बी रेखा खींचनी है। आप नाम देख सकते हो ए बी रेखा। अब जो अपना एन एस रेखा है विषुवत रेखा इसकी 2 गुनी होती है, मतलब इतनी। अब आपने यहां से ये दूरी जो आपके प्रकार में भरी हुई है उतनी ही दूरी का एक चाप आगे इस रेखा को उतनी ही दूरी का आगे बढ़ाना है। यहां से आपने इतनी ही दूरी आगे और आपने इसे आगे की तरफ अक्षांश के भूमध्य रेखा से दूरी 30 डिग्री के लिए आपको 1.82 यहां से आपने 1.82 ये 8 हो गया, ये 1 से हुआ 1.82 यानी 8 से थोड़ा सा ऊपर बिंदु लगा दिया। ये बिंदु इस तरफ भी 1.82 को आपने लगा देना है। उसके बाद में भूमध्य रेखा से फिर से 60 डिग्री अक्षांश रेखा की दूरी जो है वो आपको प्राप्त हुई 3.44। इसे आपने 3.44 यानी 3 और 4 के बीच में यहाँ पे लगा दिया रेखा के समांतर ये 30 डिग्री प्राप्त हो गया। लेकिन इसको करना है क्या डबल, इसे दुगना तो बढ़ा देंगे आगे
और इसे आगे की तरफ बढ़ा देना है। बाद में इसे काट कर जो अतिरिक्त रेखा रहेगी उसे अपने मिटा देंगे। फिलहाल अपने से आगे की तरफ बढ़ा देते हैं। अब देखिए, यहाँ से आपने मापा था और आगे निशान लगा दिया। ऐसे ही कुछ आपने यहाँ इसे मापना है। इसे मापकर यहाँ से इसके पास में अब इसे मापते हैं 60 डिग्री को। 60 डिग्री को यहां से माप लिया मान लो, और इसे इस तरफ यहाँ भी। अब अतिरिक्त रेखा को आप मिटा सकते हैं, लेकिन इससे पहले आपने एक बार और करना है कि इस अंतराल है, देखिए 30 डिग्री अंतराल है, 30 डिग्री देशांतरों की संख्या है 360। 360 बटा में 30, आंसर आएगा 12। इस भूमध्य रेखा को 12 भागों में बांटना है। इसी प्रकार आपने प्रत्येक अक्षांश रेखा को भी 12 12 भागों में बांटना है, उसकी कुल लंबाई में उसी के 12 भाग करने हैं। 6 इस तरफ निशान लगेंगे, 6 इस तरफ, यानी कि छठा तो लगा हुआ है, तो जैसे जैसे ये अक्षांश रेखाएं छोटी होती जाएगी, वैसे वैसे ही उनकी बीच की दूरियां भी क्या है, देशांतरों के बीच की दूरियां भी घटती जाएगी और ध्रुवों पर वो इस केंद्र पर आकर मिल जाएंगी। क्योंकि जो आपने 90 डिग्री अक्षांश रेखा की भूमध्य रेखा से दूरी ज्ञात की थी, तो वो कितनी आई थी, 4.52। ये देखिए 4.52। तो यही यहाँ से जब बिंदु लगाया था, यहाँ पे रेखा आएगी तो रेखा एक बिंदु के रूप में बन जाएगी। इसे तो डिवाइडेशन करने का कोई तरीका ही नहीं है। हाँ जी, भूमध्य रेखा के जब हम 12 भाग करने चाहेंगे तो पूरी भूमध्य रेखा को अपने पहले माप लेंगे। ये है 18.2। 18.2 बटा में 12 भाग करने हैं तो दूरी आई है 1.516। प्लस 1.516, आप 3 इकाइयों को प्लस करेंगे आपस में, तो पहली दूरी आई थी 1.516। यहाँ एक बार आपने इसके लग लिया तो इसे हिलाना मत, ताकि बार बार ये समस्या ना आए। यहाँ पे सबसे पहले 1.516 यहाँ पे निशान लगाया, फिर इसके बाद में प्लस किया तो 3.3 मतलब 3.03, ये 3 पे निशान लग गया। फिर बराबर का निशान दबाने पर 4.54। उसके बाद में फिर से बराबर 6.06 यहाँ पे, फिर बराबर का निशान है 7.58, 7.58 पे, फिर बराबर 9.09 यहाँ पे, फिर 10.61 यहाँ पे, फिर 12.12, 12.12 यहाँ पे, 13.6
16.67 यहाँ पे 18.19 यानी कि पूरा दो पर यहाँ पर निशान लग जाएंगे। प्रकार अन्य अक्षांश रेखाओं को भी हम पहले माप लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक मापा, ये बिंदु यहाँ पे, तो ये है 16.8 16.80 ठीक है, बटा में 12, बटा में कितना है 12, तो आंसर आया है 1.4। तो यहाँ पर आप 1.4 प्लस 1.4 दो यानी कि 2.8 आएगा, 4.2, 5.6, 5.6, 7, 4, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6, 14, 15.4, 15.4, 16.8 हो गया। इसी मान को इस 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पर भी आप निशान लगा देंगे। 1.4, 2.8, 4.2, 5.6, 7, 8.4, 9.8, 11.2, 12.6, 14, 15.4, 16.8, ये अक्षांश रेखा उपयोग है। इसी प्रकार आप इस अंतिम अक्षांश रेखा को यानी कि 60 डिग्री को माप लेंगे। ये है कुल लंबाई 11.7 बटा में 12, 0.97, 0.97, बराबर 1.94, 2.9, 3.8, 4.8, 5.8 और 9 के बीच में 5.8, 5.8, 6.79, 6.79 यानी कि 8 पे 7.7, 7.8 के बीच में 8.73, 9.7, 10.67, 10.67, 11.6, ये रेखाएं आपने बिंदु रेखाओं पे अपने को मिल गई है। इसी प्रकार आप इस 60 डिग्री अक्षांश रेखा को भी इस बिंदु
सांस रेखा पर भी ये बिंदु लगा देंगे। प्लस 0.975 4.87 5.85 6.82 7.8 8.7 9.75 10.72 इसी प्रकार आप अब प्राप्त हुए इन बिंदुओं को आप फ्रेंड स्केल की सहायता से ठीक है। तो आपने वक्राकार स्केल लेकर इन्हें इनसे मिला देना है। इसी प्रकार इसे भी प्रत्येक बिंदुओं को आपने देखना है और भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक के हिस्से को मिला देना है। जो इससे ना मिले उसके लिए दूसरा फ्रेंच स्केल इस्तेमाल करेंगे। इतना कंप्लीट होने पर आप यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री नॉर्थ, यहाँ पे लिखेंगे 90 डिग्री साउथ। अंतराल है 30 का, तो ये 60 30 0 30 60 90। इसी प्रकार यहाँ इसके केंद्र में भी आप 0 डिग्री देशांतर रेखा 30 60 90 120 150 180 ये हो गया पूर्वी 30 60 90 120 150 180 ये हो गया पश्चिमी यानी वेस्ट। ठीक है, इसी प्रकार आप इसे हेडिंग डाल दोगे मोलवेड प्रोजेक्शन और ये संपूर्ण। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।